नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और जैसा कि आपको पता था, एसएससी जीडी की में जो मेडिकल एसोसिएशन का जो आज वो आना था, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने सभी ने देखा होगा, न्यूज़ चैनल पर भी आई है और ये कल तक अखबार में भी आ लेगी सुबह सुबह। और मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो जो एसएससी जीडी की जो मेडिकल अपडेट थी, जो आपको पता था मेडिकल डेट है, वो 12 नवंबर से स्थानांतरित कर दी गई है। वो 12 नवंबर से अब किस डेट को होने वाली है और किन चरणों में होगी, किससे कितना टाइम लगेगा इसमें, और इन्होंने फाइनल जो आपको पता है फाइनल कट ऑफ किस टाइम तक आएगी, और बच्चों का जो लदान होगा, लदान मतलब बच्चे ट्रेनिंग पर कौन से महीने में जाएंगे, वो सब जो एसएससी जीडी के जो मेडिकल एसोसिएशन है उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी अपने चैनल की छोटी सी एक वो बता दूं, यूपी कांस्टेबल की जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, आपको पता होगा यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आ रही हैं, ये 52,000 वैकेंसी रहने वाली हैं दोस्तों। और चाहे वो कोई किसी भी राज्य का हो, उस सब कोई भी हो किसी भी राज्य का हो, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जल्दी से जल्दी जुड़े। हमारा चैनल 4-5 दिन में यूपी कांस्टेबल का एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करने वाला है, वो भी फ्री बिल्कुल। आपको हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और यूपी स्पेशल जो यूपी के जीके है वो सब कंप्लीट कराई जाएगी, और आपको हर डेली कोर्स के बाद जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मॉक पेपर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई यूपी पुलिस में जो जाना चाहता हो, किसी भी राज्य का हो, हर किसी राज्य के भर सकता है, किसी भी राज्य का हो, तो वो हमारे चैनल से सबको सब्सक्राइब करे, और आगे की जो मैं अपडेट होगी मैं आपको चैनल के थ्रू देता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों बात करते हैं एसएससी जीडी मेडिकल की। तो दोस्तों एसएससी जीडी मेडिकल की आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया, तो जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस होनी थी आज, उसमें सब कुछ खुलासा किया गया है और जितने चरणों में होना था मेडिकल, वो मैंने आपको कल बता दिया था। तो बात है दोस्तों जो डेट की, तो 2 दिसंबर से इसका जो 2 दिसंबर से आपकी जो मेडिकल चलेगा, और ये 20 दिसंबर तक चलेगा। दोस्तों मैं आपको कट ऑफ वगैरह और ये क्या नाम आपका जो लदान होगा, कब तक आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, वो सब बताऊँगा, आप वीडियो से जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, आप बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि सर 12 नवंबर को डेट थी, क्यों स्थानांतरित करी गई है। तो दोस्तों देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, यूपी बिहार, और ये राज्य बहुत सेंसिटिव है। आपको पता है राम मंदिर का, जो राम मंदिर है, राम मंदिर का फैसला आने वाला है, और इसमें जो पैरामिलिट्रीज हैं और पुलिस हैं, और वैसे भी एक माहौल बिगड़ सकता है इसी कारण की वजह से, क्योंकि आपको पता है अगर 12 नवंबर को हम मेडिकल चलाएंगे तो कम से कम 20 दिन तो चलेगा, क्योंकि बहुत ही बच्चों का मेडिकल होना है। तो इसी बीच अगर बच्चे मेडिकल कराने जाएंगे और रास्ते में कुछ दंगा फसाद हो जाए तो नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मेडिकल काउंसिल है, जीडी जो एसएससी जीडी का मेडिकल कराएगी, उन्होंने इस डेट को 2 दिसंबर को शिफ्ट कर दिया है। अब 2 दिसंबर से जो आपका चलेगा, और ये क्या नाम आपको देखिए दोस्तों, दो ये आपका जो है 2 दिसंबर के बाद में, और 20 दिसंबर को आपका ये ख़त्म कर दिया जाएगा। 18 दिन आपका ये मात्र चलेगा, और डेली तकरीबन वे कह रही हैं 10,000 बच्चे तक बुलाए जाएंगे, 10,000, 5,000, 8,000 हर सेंटर पर, क्योंकि बहुत ही बच्चे हैं। अगर इससे पहले हो गया, मान के चलो 20 दिसंबर से पहले भी मेडिकल सबके पूरे हो गए, वो तो खैर अब वे डेट डिसाइड करेंगे कि आपको किस दिन बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो तो मेडिकल काउंसिल बात कर सोचेगा कैसे होना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए इसकी जो मेडिकल हो रहा है, इसके बाद में फाइनल कट ऑफ कब लगेगी। तो देखिए दोस्तों, जो इसकी फाइनल कट ऑफ की बात है, वो जनवरी के सेकंड वीक में कही गई है, जनवरी के आपके सेकंड वीक में आपकी फ़ाइनल कट ऑफ लग जाएगी, और उसके बाद में जो आपके घर पे वेरिफिकेशन आएगा, जैसे मान लो आपका फाइनल मेरिट में नाम आ चुका है, आप सपोज़ करिए कि आपका फाइनल मेरिट में जो जनवरी, ईश्वर करे, मैं सपोज़ क्या करूँ, भगवान करे आपका नंबर आ जाए, मेडिकल आपका हो जाए, तो जनवरी सेकंड के बाद जैसे ही आपका जो फाइनल कट ऑफ के बाद फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद में जो आपका पता होगा पुलिस वेरिफिकेशन लेके आती है, जो बच्चा सिलेक्टेड होता है उसके घर पर, उसके गांव में, शहर में, जहां भी वो रहता है। तो दोस्तों वो तकरीबन फरवरी के सेकंड जो वीक है, या मार्च तक मान लीजिए, मार्च तक पॉसिबल है, मार्च तक आपका ये जो वेरिफिकेशन है ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद जॉइनिंग लेटर का काम रह जाता है। अब दोस्तों कुछ संशय ऐसे चल रहे हैं कि सर अगस्त तक ज्वाइनिंग होएगी, तो ये जीडी जो मेडिकल काउंसिल थी और जो उसमें जो एसएससी जीडी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने ये घोषणा की है कि नहीं, इतना लेट नहीं होगा, आपका जो अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, इस बार पोस्ट से नहीं आएंगे। देखिए इस अगर पोस्ट से आएंगे तो स्पीड पोस्ट से आएंगे, और कुछ डिजिटल भी होंगे, इस बार डिजिटल भी आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करने की वो दी जाएगी सुविधा। डिजिटल कैसे, देखिए एसएससी की साइट होगी, एसएससी की साइट खोलेंगे आप, जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे
वो अपना जो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे भरेंगे और उनको वहाँ से वो ज्वाइन लेटर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर वो ऑफलाइन भेजेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और सरकार के ऊपर प्रेशर है क्योंकि ये भर्ती बहुत ही समय से चल रही है। तो इसको जो डेडलाइन रखी गई थी, जो मोदी गवर्नमेंट ने इसकी डेडलाइन रखी थी, वो मार्च थी, पर चलो कोई बात नहीं, एक महीना आगे पीछे हो जाए। तो दोस्तों इसकी जब जो डेडलाइन लास्ट रखी गई है, अप्रैल रखी गई है, अप्रैल तक आपको जो लेटर आपके हाथ में जाएंगे और आपको ट्रेनिंग सेंटर बता दिए जाएंगे कि आपके ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ हैं और आपके मई में जो आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आपको अलॉट हो गया, आप वहाँ पे चले जाओगे और जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो आपकी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको कुछ और अपडेट आती है, अब क्योंकि कट ऑफ की बात है, कट ऑफ की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, जो क्वेरा और अनअकैडमी ने जो 2 लाख जो दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम की फिजिकली कट ऑफ लगी थी, आपको पता है अनअकैडमी, क्वेरा और ग्लेड अपने एक साथ करी थी और जो कट ऑफ बताई थी वो सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क था जो कट ऑफ बताई थी। तो क्वेरा ग्रेड अपने जो जिन बच्चों के मेडिकल होने हैं, अब उनमें जो बच्चे हैं उनके नंबर पूछे हैं, जो उनके पास में स्टूडेंट है 20,000 बच्चों का वो होगा अब जब एनालाइजेशन, और 20,000 बच्चों के ऊपर अभी एक मेरिट बताई जाएगी जो कि कल शाम तक आ जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाएगी, जैसे ही कल कट ऑफ आती है तो मैं आपको स्टेट वाइज भी बताऊंगा और कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा और फोर्स वाइज भी बताऊंगा किस फोर्स पर कितना रहेगा, कितनी मेरिट रहेगी आपको, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे क्या चाहता हूं मैं, देखिए आपसे सिर्फ मैं एक चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई मेडिकल वाला जो जीडी वाला बच्चा हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो जिसका मेडिकल होना हो, या कोई यूपी पुलिस जो यूपी से और यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहता हो, यूपी कॉन्स्टेबल की एक अच्छी खासी जॉब होती है, तो दोस्तों अगर कोई ऐसा बच्चा है आपकी जान पहचान में, आप भी हो, तो प्लीज़ आप उसको वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि मैं कल आपको मेरिट की अपडेट भी दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यह मेरा आपसे अनुरोध है। कल जैसे ही वो मेरिट की जो कट ऑफ जारी करेंगे मैं आपको तुरंत के तुरंत बता दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो आगे आपको मैं जो भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत दूंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।